नमस्कार, आज हम कक्षा 10 का कन्यादान पाठ की व्याख्या पढ़ेंगे, जिसके कवि श्री ऋतुराज जी हैं। ऋतुराज जी का जन्म सन 1940 में भरतपुर में राजस्थान में हुआ। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से अंग्रेजी में स्नातक यानी MA की उपाधि ली। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्ति लेकर वे जयपुर में रह रहे हैं। उन्होंने हिंदी में बहुत अधिक रचनाएं लिखी हैं। अब हम कविता को ध्यान से पढ़ेंगे, उसकी व्याख्या को ध्यान से सुनेंगे। कितना प्रमाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे उसकी पूंजी, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी है। कवि ने कन्या विवाह के बाद बेटी को उसके ससुराल भेजते समय माँ की अंतर वेदना को बड़ा ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है। माँ को आभास होता है कि उसने अपनी बची पूंजी को भी दान में दे दिया है। अब उसके पास शेष कुछ नहीं बचा है जिसे वह अपना समझ सके। प्रस्तुत पंक्तियों में माँ की अंतर्वेदना को बताया गया है कि जब लड़की विदा होकर अपने ससुराल जाती है तो एक माँ के मन में क्या क्या विचार आते हैं, क्योंकि वो बेटी उसके लिए एक अंतिम पूंजी है जिसे उसने जीवन भर संजोया है और अब वो उसको दान में देने वाली है। उसके हृदय में से स्वयं ही उद्गार फूटते रहे। माँ का हृदय जो है वो इतना द्रवित हो गया है कि उसके मन से खुद ही वो बातें उसके सामने आ रही हैं कि बेटी अभी सयानी भी नहीं हुई है, वह इतनी भोली है कि सुख की कल्पना करती है परंतु जीवन में आने वाले दुखों से वह अभी परिचित नहीं है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे दुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। अब माँ जो है वो उस दुख को उसके लिए सहन करना बहुत ही कठिन हो रहा था कि उसकी लड़की विदा होके जा रही है, क्योंकि अभी उसकी लड़की सयानी भी नहीं हुई थी। वह इतनी भोली थी कि सुख की कल्पना तो करती थी परंतु जीवन में आने वाले दुखों से वह अभी परिचित नहीं थी। वह आने वाले दुखों को कैसे सहन कर सकेगी, वह तो विवाह से संबंधित सुखों की काल्पनिक इच्छा में जी रही थी जो अस्पष्ट थी। वह तुकों और लयबद्ध पंक्तियों को सरलता से सहजता से पढ़ना जानती थी। काव्य के गंभीर भावों को समझने में वह असमर्थ थी, अतः बेटी ससुराल से सहज सुख की कल्पना कर रही थी जो अस्पष्ट थी। ससुराल की कठिनाइयों से अभी वह परिचित नहीं थी। माँ को इसी बात का दुख था कि वह अभी इतनी भोली और सयानी है कि उसे ये नहीं पता कि दुख क्या होता है। सुख तो उसे पता था लेकिन उसे ये नहीं पता कि दुख को कैसे बांचा जाता है। वो केवल विवाह के समय के सुख को देख रही थी, उसे ये नहीं पता था कि ससुराल में उन्हें किन कठिनाइयों से परिचित होना पड़ेगा। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। अब माँ ने बेटी को विदा करते हुए समय सावधान किया कि अपने सौंदर्य पर इतना मत सजग रहना कि किसी के शब्दों में ना उलझकर अपने जीवन को बंधन मुक्त रखना। माँ समझ रही है कि पानी में अपने सौंदर्य को देखकर, अब माँ जो है अपनी बेटी को समझा रही है कि पानी में अपने सौंदर्य को देखकर इतराने का प्रयास मत करना, इससे आग के समय सावधान रहना। जब तुम खाना बनाओ तो वहाँ पे आग से सावधान रहना, क्योंकि आग रोटियां सेकने के लिए होती है, स्वयं जलने के लिए नहीं होती। अब इन पंक्तियों में माँ अपनी बेटी को ससुराल में होने वाली प्रतिक्रियाओं के प्रति सचेत कर रही है। वो ये कह रही है कि
अब पानी में अपनी सुंदरता को देखकर मत रीझना, मत बहुत ज़्यादा खुश होना। और रोटियां सेकते समय, यानी जब रोटियां जो सेकी जाती हैं, चूल्हा जो होता है, आग जो होती है, वो सिर्फ रोटियां सेकने के लिए ही होती है, जलने के लिए नहीं। अतः तुम्हें बहुत सावधान रहना है कि तुम्हें ससुराल में अपना समय किस प्रकार सचेत होकर और सावधान रहकर बिताना है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के, अतः सभी कार्य करते समय आपको बहुत सावधान रहना है। शाब्दिक भ्रम की तरह, अर्थात प्रशंसात्मक शब्द की, यदि ससुराल में तुम्हें कोई प्रशंसा देने वाले शब्द बोलता रहे और वस्त्रों और आभूषणों का तुम्हें लालच देता रहे, तो तुम्हें इस भ्रम में नहीं पड़ना। यह भ्रम स्नेह का आभास कराकर बंधन में जकड़े रहेंगे कि ये जो सारे बंधन हैं वो तुम्हें अपना जीवन जीने नहीं देंगे, इसलिए तुम इन भ्रमों में, सुंदर आभूषणों में, सुंदर वस्त्रों में अपना ध्यान केंद्रित मत करना। तुम लड़की की तरह मर्यादित करना। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अब यहाँ माँ जो है वो अपनी बेटी को सचेत कर रही है कि तुम लड़की की तरह मर्यादापूर्ण व्यवहार करना, किंतु सामान्य एवं कमजोर लड़की की तरह अत्याचार सहने की दुर्बलता मत दिखाना। यहाँ पे माँ अपनी बेटी को एक बहुत अच्छी शिक्षा दे रही है और आगे का जीवन जीने के लिए उसमें उत्साह भर रही है, और वो समझा रही है कि तुम्हें कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को कैसे संयमित रखना है। वो कह रही है कि तुम लड़की हो, लड़कियों की तरह एक मर्यादित व्यवहार करना, किंतु सामान्य एवं कमजोर लड़की की तरह अत्याचार सहने के लिए दुर्बलता मत दिखाना। तुम हर तरह के शोषण का साहसपूर्ण मुकाबला करना, यानी तुम्हारे सामने किसी प्रकार की भी यदि कोई विपत्ति आती है तो तुम्हें उसका सामना करना है, और साहस के साथ तुम सारी समस्याओं को दूर करना, और तुम हर तरह के शोषण को साहसपूर्वक उसका मुकाबला करना। इस प्रकार इस कविता में माँ परंपरा से भिन्न अपनी बेटी को शिक्षा दे रही है कि उसे ससुराल में किस तरीके का व्यवहार करना है, कैसे सचेत होकर रहना है। माँ अपनी बेटी को इसमें ज्ञान दे रही है लड़की को विदा करते समय। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप इस पाठ की व्याख्या को समझ गए होंगे। धन्यवाद।